हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो फ्रेंड्स, जब आपका कुछ दिल चाहे नमका खाने को चाय के साथ, तो आप इस तरह से बनाएं, इजीली रेडी हो जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ किस तरह से मैं ये बनाऊँगी। तो मैंने ये थोड़ा ये हरा धनिया ले लिया है इस तरह से, उसको चॉप कर लिया है। दो हरी मिर्च ली है और ये आधा कप मैंने लिया है मैदा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आधे कप से भी कम जो ली है सूजी ली है। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून लिया है मैंने बेसन। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यकीन मानो, बहुत अच्छा नाश्ता रेडी होगा। चाय के साथ आप खाएं, मेहमानों को खिलाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। इस तरह से देखिए, तो आधा चम्मच लूँगी मैं ब्लैक पेपर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड, आधे चम्मच से भी बहुत कम ये देख ली मैंने ली है हल्दी, इससे कलर अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आधा चम्मच लूँगी जीरा, आप चाहे तो पिसा हुआ जीरा भी ऐड कर सकते हैं, चाहे साबित, एज यू विश। चाट मसाला लेकर अच्छी तरह से मैं उनको सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। देखिए आप, तो आधा चम्मच डालूंगी मैं इसमें कश्मीरी मिर्च। और इसका मैं बैटर रेडी करूंगी, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चुटकी भर डालूंगी मैं इसमें बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक बैटर रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर हो चुका है रेडी बिल्कुल। तो अब मैं इसे ये हरा धनिया और हरी मिर्च ये बीच में ऐड करके अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, ताकि बिल्कुल रेडी हो जाए बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, बहुत इजी है, आसानी से कोई चीज़ बाहर से मंगाने की ज़रूरत है, जो चीज़ घर में है उन्हीं से काम चल जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा कोई वेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर है, कैप्सिकम है, ये आप ऐड कर सकती हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा तवा गर्म हो चुका है। तो इस तरह से डालेंगे।
बिना ऑयल के, बहुत कम ऑयल में, बहुत टेस्टी हमारे नाश्ता रेडी होगा। तो फ्रेंड्स रेडी है, फ्रेंड्स रेडी है मेरा ये इस तरह से चिल्ला। तो आप चाय के साथ, चटनी या टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं, आपको जिससे पसंद आए। और ये बहुत टेस्टी होता है और झटपट रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर कल हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।